बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष समारोह कार्यक्रम में शामिल होने वाले पहले पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। बिहार में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 300 के पार, एक्टिव केस की संख्या हुई 1573। बिहार में 7 अक्टूबर से अग्निवीरों की पहली बहाली प्रक्रिया, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया पहला शेड्यूल। नमस्कार, देख रहे हैं आप डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से और एक बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड के रामनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के रामनगर से आ रही है जहां पर भीषण सड़क हादसा होने की खबर मिली है। उफंती नदी में गिरी पर्यटकों से भरी कार, बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दुखद घटना, 9 लोगों की जान जा चुकी है इस हादसे में। एसडीआरएफ की टीम एक बच्ची को बचाया। पंजाब के रहने वाले थे सभी लोग। उत्तराखंड के रामनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस भीषण सड़क हादसे में करीब 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, एसटीआरएफ की टीम ने बच्ची को बचा लिया है। पंजाब के रहने वाले थे ये सभी लोग, ये जितने लोगों की मौत हुई है ये पंजाब के रहने वाले थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में 9 लोगों की जान जा चुकी है और ये पंजाब के रहने वाले थे। एसडीआरएफ की टीम ने एक बच्ची को बचा लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के रामनगर में अनियंत्रित होकर कार गिर गई उफंती नदी में, जिसके बाद 9 लोगों की मौत हो गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से एक बड़ी खबर, रामनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बगा के रामनगर के एक निजी अस्पताल में 2 बच्चों में चमकी बुखार के लक्षण पाए गए हैं, जिसे देखते हुए डॉक्टर ने इलाज के लिए दोनों बच्चों को बेतिया सदर अस्पताल रेफर किया है। परिजन ने बताया कि बीते दिन से तेज बुखार और दस्त हो रहा था और चमकी बुखार के लक्षण मिलने वाले बच्चों में 1.5 वर्षीय सलूनी और 4 वर्षीय शिवम है। शाम को मेरे निजी क्लिनिक पर 2 बच्चे आए, एक का नाम शिवानी है और एक का नाम शिवम कुमार है। दोनों बच्चों में जब मैंने हिस्ट्री लिया तो फीवर और उसके साथ उनको सीजर आ रहा था, तो एक संदिग्ध केस बनता है AES का, जिसको आगे जांच के लिए और इसके पुष्टि के लिए और अगर इसमें कोई संभावना बनती हो तो उसके इलाज के लिए मैंने दोनों बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भिजवा दिया है। और एक खबर अब सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी में आगामी बकरीद और श्रावणी मेला को लेकर जिला पदाधिकारी मनीष कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय की संयुक्त अध्यक्षता में नगर थाना में शांति समिति की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों दोनों संप्रदाय के लोगों ने मुख्य सड़क के जाम की समस्या से अवगत कराया। आगामी दोनों पर्व को देखते हुए शराब माफियाओं पर नकेल कसने और उन्हें चिन्हित कर गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। शहर में बिजली की समस्या को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्वरित कार्रवाई कर सभी समस्याओं का निष्पादन करना सुनिश्चित करें। बातें बताई गई जैसे कि सुबह में कोई बात नहीं होता है, नमाज बताए नमाज के बाद कोई बात नहीं होती है, रूम टाइम में होता है, मैक्सिमम अलर्टनेस का रहता है। तो आप भी जनप्रतिनिधि आप लोग भी उस समय मैक्सिमम अलर्टनेस में आएंगे, हम लोग भी उसी हिसाब से तैयारी किए कि हमारा भी मैक्सिमम जो फोकस रहेगा उस समय में और सुबह का टाइम खास करके, उसके बाद कोई बानी का जो समय होता है या फिर प्रसाद के तौर पे जो मास्क का वितरण होता है उस समय खास करके सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कटिहार में निजी नर्सिंग होम में गलत इलाज के आरोप में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, नर्सिंग होम कर्मियों को बुरी तरह से पीटा। हंगामा होता देख डॉक्टर नर्सिंग होम छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि महिला को इलाज के लिए इस नर्सिंग होम में लाया गया, लेकिन मरीज को एक इंजेक्शन देकर बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था और इस बीच महिला की मौत हो गई। इधर पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचकर किसी तरह मामले को शांत करवाया। घटनास्थल पर पहुंचे सीओ ने कहा कि फिलहाल मामला शांत हो गया और किसी भी तरह से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली। सुइयां ले
लेने के लिए, ठीक है, बोला बाहर से सुइयां लेने के लिए, हाँ। सुइयां यहाँ पे दे दिया, लिख के बाहर से जाकर सुइयां लिया, उस पे डेट कर गया। जब वो डेट कर गया तो यहाँ पे डॉक्टर जो था बैठा हुआ सुइयां लेने के लिए बोला, वो भागा क्यों? अच्छा, गेट में ताला मार के क्यों भाग गया? चलिए खबरों में आगे बढ़ते। दानापुर में 1 जुलाई को हुए पूर्व जिला पार्षद की हत्या पर पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि पिता की हरकतों से तंग आकर बेटे ने उसकी हत्या की। दरअसल मृतक का कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर मृतक की पत्नी के साथ अक्सर नोकझोंक हुआ करती थी, जिसे परेशान होकर नाबालिग बेटे ने पिता के ही दोस्त के साथ मिलकर साइलेंसर लगी पिस्तौल से हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। छपरा के कोपा थाना क्षेत्र में बच्चों के खेल में हुए विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, 3 गंभीर लोगों को छपरा से पटना रेफर कर दिया गया है। बघा के टाउन थाना पुलिस ने NH-727 बेतिया गोरखपुर मुख्य सड़क पर डीएम एकेडमी चौक से शराब लदी कार के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक शराब की खेप बघा से मुजफ्फरपुर भेजी जा रही थी, जिसकी गुप्त सूचना के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, सघन वाहन जांच में कार को पकड़ लिया गया और इसमें कुल 19 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया है। अब पुलिस शराब की तस्करी में जुटे लोगों की जल्द पहचान कर गिरफ्तार करने को लेकर छापेमारी में जुटी है। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा है। अब बात अग्निपथ योजना को लेकर कर लेते हैं। सेना में बहाली के अग्निपथ स्कीम के लागू होने के बाद पहली बार बहाली प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने संभावित तिथि जोनवार जारी कर दी है। शेड्यूल के अनुसार बिहार के जिलों के लिए बहाली प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 20 दिसंबर तक चलेगी। हालांकि इस डेट में जरूरत होने के अनुसार बदलाव भी हो सकते हैं। बिहार में दानापुर, गया और मुजफ्फरपुर में भर्ती ली जाएगी। इस बार कटिहार भर्ती बोर्ड के अधीन आने वाले जिलों में बहाली प्रक्रिया मुजफ्फरपुर में ही होगी। बिहार में कोरोना का डर अब सताने लगा है। 24 घंटे में 334 केस सामने आया, लगातार तीसरे दिन मरीजों का आंकड़ा 300 के पार है और इसके साथ ही एक्टिव केस अब 1573 है। अकेले पटना से 904 एक्टिव केस मिले और 24 घंटे में पटना से 182 मरीज भी सामने आए हैं। तो कोरोना की मार अब लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपना गाइडलाइन जारी किया है और हम भी लगातार आपसे यही अपील कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना से बचने के लिए नियमित जो नियम है उसका पालन अवश्य करें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं बिहार में भी अब कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिहार विधानसभा परिसर में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करने के लिए 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरा होने पर शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जाएगा और 12 जुलाई को कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। बिहार विधानसभा के इतिहास में नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है और पीएम 12 जुलाई को पटना पहुंचेंगे। शाम 5 बजे बिहार विधानसभा के समापन समारोह में वो शामिल होंगे। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री का यह तीसरा कार्यक्रम होगा। बिहार विधानसभा आने से पहले प्रधानमंत्री बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और फिर देवघर पहुंचकर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। और ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार विधानसभा परिसर में आएंगे। मुंगेर जिला अंतर्गत पड़ने वाले 26 किलोमीटर कांवड़िया पथ का निरीक्षण करने बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन पहुंचे, जहां आगामी 14 जुलाई से
होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर उन्होंने अधिकारियों को कई जानकारी भी ली और साथ ही साथ कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि इस विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में देश विदेश से लोग सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर जाते हैं और इसकी दूरी करीब 105 किलोमीटर है और इसे जल्द दुरुस्त किया जाएगा। अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं जिससे कांवरियों को बाबा धाम जाने में किसी भी प्रकार की कई असुविधा न हो। जिला प्रशासन एवं पथ निर्माण विभाग की ओर से पथ में वाटर कैनन की सुविधा भी की जाएगी। गंगा बाड़ी यूज करने का प्रयास किया है इस बार, लोगों को भी अच्छा फीडबैक है, उनका काफी चल रहा है। हम लोग पूरा जो अगला प्रयास है, एक तो वाटर क्योरिंग जो माननीय विधायक जी का भी कहना है, गंगा बाड़ी थोड़ा जल्दी गर्म होता है तो वाटर क्योरिंग जिला प्रशासन भी करेगा और पथ निर्माण भी अपनी जो एजेंसी है उसके माध्यम से पूरे पैच में वाटर क्योरिंग रहेगा ताकि अगर धूप भी हो तो लोगों को श्रद्धालुओं को हमारे कावड़ी लोग को कोई असहज स्थिति न हो। बाकी सारी व्यवस्था जो रूप में है सामाजिक सभी संगठन के द्वारा अलग अलग स्टॉल पर लगाए जा रहे हैं। हमने भी काफी बात किया कि शौचालय का भी जो जगह जगह पर सेंटर होते हैं पूरी पूरी तरह से निरीक्षण किया जाए, उसको साफ सफाई की भी व्यवस्था अलग से रहे, ये सारी विषय पर अभी बात हुई है और हम पूरे पैच को देखने को हमको उम्मीद है कि जो सुविधा हम लोग चाहते हैं जनता को और श्रद्धालुओं को मिले। महोबा में नवांगतुक सीएमओ डीके गर्ग ने जिला अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में असुविधाओं को लेकर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने मरीजों को दी जा रही तमाम सुविधाओं को लेकर पूछताछ की। अस्पताल में फैली गंदगी पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे जल्द दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री की मंशा के अनुरूप मरीजों को बेहतर उपचार और सुविधा देना ही हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गई हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। इस मौके पर सीएमओ के साथ सीएमएस भी मौजूद रहे। मेरे द्वारा जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया है। ये मेरा एक रूटीन इंस्पेक्शन है, सामान्य निरीक्षण है। मैंने ये पाया कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, वार्ड का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। छोट कुछ कमियाँ जैसा पाई जाती हैं, जैसे बाथरूम में जैसे कहीं पर हल्की फुल्की सफाई हुई तो उसके लिए जो एजेंसी है उसको बुला के समझा दिया है, वो सपोर्ट करेगा। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में डायरिया के मामले में बढ़ोतरी हुई जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। आपको बता दें इनका कहना है कि गंदे पानी की सप्लाई की वजह से ऐसा हुआ है और इससे शिकायत के बाद डीएम सूर्यपाल गंगवार, बीजेपी विधायक नीरज बोरा और सीएमओ क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें डीएम इस दौरान गंदगी देखकर अधिकारियों पर जमकर बरसे और दोषी कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड करने के निर्देश दिए। लखनऊ के पीजीआई कोतवाली इलाके में सिपाही और बदमाशों ने जानलेवा हमला किया जिसके बाद मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि रोशन रजा नाम के सिपाही पुलिस लाइन में तैनात है। सूत्रों के मुताबिक पुरानी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। कल रात करीब 10 बजे पीजीआई थाने से एक सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें एक सिपाही है रोशन रजा, जिस पर जो अपने घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में जाने पर उसको कुछ लोगों ने रोका और उसके साथ मारपीट की। उसके चेहरे पे 2 चोट के निशाने थी, उस निशान के बेसिस पे उसका मेडिकल कराया गया तुरंत और तहरीर लेके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पीजीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कांस्टेबल रोशन रजा जो कि पुलिस लाइन से अटैच है, वो अपनी पीएसओ ड्यूटी करके मोहनलालगंज अपने घर की तरफ जा रहे थे। वहां पे एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगा। उन्होंने मौके पे उसको पकड़ लिया, फिर वहां पे पुलिस पहुंची और इन सबको थाने लेकर आई। उन्होंने तहरीर दी है, उस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो कांस्टेबल रोशन रजा हैं इनकी पिस्टल भी थाने पे जमा कर। कौशाम्बी जिले में मनमाने ढंग से प्राइवेट बस में वसूले जा रहे किराए का विरोध करने पर व्यक्ति को होमगार्ड के रहते कंडक्टर ने जमकर पीट दिया। इस दौरान पुलिस भी दर्शक बनी रही। दरअसल जनपद में यूपी रोडवेज बसों के 4 गुना ज्यादा सड़कों पर प्राइवेट बसों को दौड़ते हुए देखा जा रहा है। सरकारी किराए से कम किराया बताकर ये बसें यात्रियों को बिठाती हैं लेकिन बस चलने के बाद यात्रियों से मनमाने ढंग से किराया वसूली की जाती है। तो कौशाम्बी की ये तस्वीर है जहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राइवेट जो बसें वहाँ पर चल रही हैं वहाँ पर मनमाने तरीके से किराया लिया जाता है। आपको बता दें पहले जो सवारी होते हैं उनको बस पर बिठा लिया जाता है, उसके बाद फिर उनसे मनमाना किराया वसूला किया जाता है। इसके बाद जब किसका विरोध किया गया तो कंडक्टर ने एक व्यक्ति की होम गार्ड के रहते पिटाई कर दी।
देवरिया जिले के थाना लार क्षेत्र के हरकौली गांव में ट्यूशन पढ़ने गए 6 साल के मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले में पुलिस ने ट्यूशन टीचर समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि पड़ोस के ट्यूशन पढ़ने गया मासूम जब नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। फिर कुछ देर बाद खेत में एक खत मिला जिसके जरिए बच्चे को छोड़ने के बदले फिरौती की मांग की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की। एक 6 वर्षीय बच्चा जो ट्यूशन पढ़ने अपने ही गाँव में पड़ोसी के यहाँ गया था, वो उसके अपहरण की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की, अपनी कार्यवाही प्रारंभ की। जहां ये लड़का ट्यूशन पढ़ने गया था उसी ट्यूशन टीचर के नाती ने पुलिस से पूछताछ में इस घटना को करना स्वीकार कर लिया। बरेली साइबर पुलिस और एसओजी की मदद से फर्जी दस्तावेज के सहारे फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। आपको बता दें बैंक की महिला संविदा कर्मचारी सहित जन सुविधा केंद्र चलाने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बैंक की महिला संविदा कर्मी अपनी बैंक के आईडी से जन सुविधाओं केंद्रों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड बनाने का करती थी काम। आरोपी के द्वारा 1,000 लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाने को लेकर गोरखधंधा किया जाता था। देखिए हमारे यहाँ शिकायतें लगातार मिल रही थी कि कुछ जन सेवा केंद्र पर फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, जिसके क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में जांच आवंटित हुई। जांच के क्रम में इनको जब हिरासत में लिया गया, उनके पास से बरामद उपकरण 4 लैपटॉप और 35 आधार कार्ड, कुछ मशीनें, सहवर्ती उपकरण, जब इनसे पूछताछ की गई तो ये खुलासा हुआ कि इनके द्वारा प्रतिरूपण कर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। बिजनौर पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ कस्बा चांदपुर में पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च कस्बे के मुख्य चौराहे और गली मोहल्ले से होकर निकाला गया। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि आमजन को सुरक्षा का एहसास दिलाने, आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मकसद से कस्बे में पैदल मार्च निकाला गया। उन्होंने अफवाह पर ध्यान न देने पर सभी से आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ त्योहारों को मनाने की भी अपील की है। हमने फुट पेट्रोलिंग की, रास्ते में व्यापारियों से और रेहड़ी वालों से बात भी की, कुछ युवाओं से भी बात करी। फुट पेट्रोलिंग का उद्देश्य है कि जनता और पुलिस के बीच की दूरी घटे और पुलिस के प्रति लोगों के अंदर एक विश्वास उत्पन्न हो सुरक्षा व्यवस्था के, ये हमारे शासन का निर्देश है और हम निरंतर बदल बदल के स्थानों पर करते हैं। साथ ही आज मैंने आने वाले त्योहारों को लेकर के धर्मगुरुओं से वार्ता भी की। कुल मिलाकर के आज हमने फुट पेट्रोलिंग की और हम लगातार इस प्रक्रिया को जारी रखें। सर, दोबारा जिले में आने में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये तो शासन का आदेश है जिसका अनुपालन मुझे करना है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि बिजनौर की जो पावन धरती है बिजनौर की, यहाँ सेवा का दूसरा मौका मेरे लिए एक सौभाग्य की। प्रतापगढ़ के कुंडा विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से पंखा हुकवाते शिक्षक कैमरे में कैद हो गए। जानकारी के मुताबिक पढ़ने के बजाय बच्चों से सेवा करा रहे थे ये सहायक अध्यापक, और सूचना मिलने पर विद्यालय पहुंचे पत्रकारों ने जब सहायक अध्यापक की वीडियो बनाई तो वे दादागिरी पर उतर गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला गया है। एजबेस्टन टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया T20 में सकारात्मक शुरुआत की है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और 199 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में इंग्लैंड की टीम 148 पर ही सिमट गई। भारत ने साउथहैम्पटन में खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 50 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 198 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 51 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। खबरों के सफर में आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।